जय बद्री विशाल दोस्तों, जय बाबा केदार। और आज हम आपको बाबा बद्री विशाल और बाबा केदार के धाम की ताज़ा तस्वीर दिखा रहे हैं। दीपावली का पर्व है, छोटी दिवाली हो चुकी है और बाबा केदार का धाम आज की तस्वीर देखिए। दिवाली के पावन पर्व और बाबा केदार अपने शीतकाल के प्रवास में, बाबा केदार के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने जा रहे हैं। मंदिर को सजा दिया गया है बाबा केदार के धाम में। मौसम एकदम बहुत मस्त इस समय है, भले ही ठंड है। वहीं देखिए परंपराएं शुरू हो गई हैं। मंगलवार बीते दिन यहां पर भैरवनाथ, जो कि बाबा केदार के मंदिर के दरवाजे के ठीक सामने ऊपर पहाड़ी पर स्थित है, वहां के कपाट बंद कर दिए गए हैं। हालांकि यहां पर कपाट बंद करने जैसा कुछ नहीं होता है, लेकिन पूजा से यहां पर विशेष पूजा परंपराओं के साथ बंद किए जाते हैं। पुजारी देख सकते हैं, बाबा केदार के पुजारी यहां पर बैठे हैं, जो यहां के पंडा पुरोहित हैं, वो विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। और बाबा केदार के जो यहाँ पे भैरवनाथ हैं केदार के ऊपर, उनके कपाट अब मंगलवार को बंद कर दिए गए हैं। भैरवनाथ के कपाट बंद होने का मतलब है, जो बाबा केदार के दरवाजे से जो हमेशा बाहर आके जो आरती की जाती है, वो भैरवनाथ के लिए की जाती है। हमेशा भैरवनाथ बाबा केदार की आरती के बाद, भले ही हम उसे बाबा केदार की आरती कहते हैं, लेकिन वो भैरवनाथ की आरती होती है। और आपने हमेशा कहीं भी देखा होगा, चाहे वैष्णो देवी जाओ या अनेकों मंदिर में जाओ, तो आपको भैरवनाथ का मंदिर वहाँ पर ज़रूर मिलेगा। और यह केदारनाथ में मौजूद है और बहुत ही भव्य है, खुले आसमान के नीचे है। और यहाँ के कपाट बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही जो केदारनाथ मंदिर के दरवाजे से जो बाहरी परिसर है, वहाँ से जो आरती होती है, वो भी इसी के साथ बंद हो जाती है। जब बाबा केदार के कपाट खोलते हैं, तो दो तीन दिन में भैरवनाथ के कपाट खोलते हैं, तब आरती शुरू होती है। और आज बुधवार को छोटी दिवाली के दिन जो मंदिर का जो छत्र है, वो उतार दिया गया है, क्योंकि कपाट बंद की परंपराएं यहां पर शुरू हो गई हैं। 3 तारीख को भैया दूज के अवसर पर बाबा केदार के कपाट अब बंद होने जा रहे हैं। बद्रीनाथ के कपाट 17 नवम्बर तक खुले हैं, लेकिन बाबा केदार की जो प्रक्रिया है, भैरवनाथ के कपाट बंद हो गए हैं। मंदिर को अब रंग बिरंगी गेंदे के फूलों से सजा दिया गया है। पूरी तरह से भव्य अपने आप में इस समय बाबा केदार के जो मंदिर है, वो दिखाई दे रहा है। ये परंपराएं यहाँ पे जो निभाई जाती हैं, छत्र जो है स्वर्ण जड़ित ये छत्र है, वो उतार दिया गया है। अब बाबा केदार के मंदिर के अंदर ये लगा रहता है, इसे उतार दिया गया है, क्योंकि अब धीरे धीरे कपाट शीतकाल के लिए बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और अब धीरे धीरे चारों धामों के कपाट बंद होने की तैयारियां शुरू हो गई। हालांकि बद्रीनाथ की अभी समय है, 13 नवंबर से बद्रीनाथ में कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन ये जो बाबा केदार का मंदिर है, यहाँ पे प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं। यहाँ के सिर्फ अब 2 दिन रह गए हैं। और आप देखिए जय बद्री विशाल के साथ आप जरूर जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार जरूर लिखें दोस्तों, क्योंकि बद्री विशाल और बाबा केदार अभी भी साक्षात जो है, इनके दर्शनों का जो पुण्य लाभ मिलता है, वो आज भी मौजूद है। इसीलिए हर कोई यहाँ पे आता है। ये बाबा बद्री विशाल का धाम है। बद्रीनाथ विष्णु का मंदिर है, केदारनाथ भोलेनाथ का मंदिर, हालांकि सभी लोगों को पता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, उनकी जानकारी के लिए मैं कह रहा हूँ। और दिवाली का पर्व है, दिवाली पे अगर बद्रीनाथ न सजाया जाए तो ये कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे माँ लक्ष्मी और कुबेर साक्षात विराजमान रहते हैं। और बद्री विशाल तो यहाँ पे तप में बैठे हैं, नारायण साक्षात अपने आप तप में है। और हर पर्व पर बद्री विशाल जो मंदिर है, वो यहाँ पे सजाया जाता है। और ये देखिए देश के अलग अलग, मतलब यहाँ पे सजाने का काम जो होता है, वो भक्तों का वही फूल लेके आते हैं। और ये हर वर्ष यहाँ पे सजाया जाता है, और हर बार की सजावट में अलग अलग इस पे जो आकृतियाँ हैं, कभी दीप बनाया जाता है, कभी ओम बनाया जाता है, कभी ओंकार बनाया जाता है, अलग अलग। और इस बार अभी देखते हैं क्या बनाया जाता है। और देखिए हर कोई चढ़ा हुआ है, फूलों से मंदिर को सजाने का काम आज सुबह, आज 30 अक्टूबर को सुबह से बद्री विशाल का मंदिर सजाने का काम शुरू कर दिया गया है। और दीपावली में खास महत्व बद्री विशाल के मंदिर का होता है, क्योंकि यहाँ पे लक्ष्मी जी का मंदिर विराजमान है, और
यक्ष, राज, कुबेर, धनतेरस पर भी यहाँ पे विशेष पूजा होती है, और दिवाली के पावन पर्व पर भी विशेष पूजाएं यहाँ पे होती हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी और कुबेर की यहाँ पे पूजा होती है। नारायण की तो रोज़ होती है, माँ लक्ष्मी की भी रोज़ होती है, लेकिन जो दिवाली का पर्व होता है इस समय पे यहाँ पे विशेष पूजाएं होती हैं, क्योंकि ये साक्षात नारायण का धाम है। और नारायण आज कलयुग के दौर में भी यहाँ पे तप में बैठे हुए हैं, क्योंकि विश्व कल्याण के लिए वो अभी भी यहाँ पे बैठे हैं। आने वाला जो समय होगा वो कलयुग का और ख़तरनाक होगा, तो उसी को पार करने के लिए, उसी को कमज़ोर करने के लिए नारायण आज भी कहते हैं कि तप में बैठे हैं। नारायण का तप में बैठना मतलब विश्व कल्याण। और ये देखिए धीरे धीरे मंदिर अपने पूरी साज सज्जा के साथ सजाया जा रहा है। इस समय बहुत ज़्यादा भीड़ है, भले ही ठंड बढ़ गई है, हर कोई गर्म कपड़ा, धूप के समय पे ठंड नहीं लगती है, लेकिन जैसे ही धूप जाती है उसके बाद यहाँ पे एकदम सर्द हवाएं बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। ऐसे में अगर आप लोग आ रहे हैं, क्योंकि अभी 17 नवंबर तक बद्री विशाल के कपाट खुले हैं, और अगर आप लोगों को आना है तो गर्म कपड़े ज़रूर लाएँ, क्योंकि बिना गर्म कपड़ों के यहाँ पर आना इस समय बहुत मुश्किल है। और देखिए कितना भव्य अपने आप में एक खासियत है बद्री विशाल के मंदिर की, चाहे बाबा केदार के भी मंदिर की बात करें, जब यहाँ पे कपाट खुले रहते हैं तो हम लोगों के द्वारा, मतलब इंसानों के द्वारा सजावट की जाती है, मंदिर को सजाया जाता है, लेकिन जब कपाट बंद होते हैं तो कहते हैं कि देव दर्शन चल रहे हैं, यहाँ पे देवता लोग पूजा करते हैं, तो उस समय पे यहाँ पे जब पर्व होता है या कुछ भी होता है तो बर्फ़बारी होती है, और बर्फ़बारी से ये मंदिर अपने आप में बेहद खूबसूरत लगते हैं। हम लोग तो सिर्फ मंदिर को सजवा पाते हैं, कोई भक्त होता है जो इन फूलों को लाता है वो इसे सजाता है, लेकिन जब शीतकाल रहता है तो कुदरत यहाँ पूरे बद्रीनाथ धाम का एकदम इस कदर श्रृंगार करती है कि पूरा बद्रीनाथ अपने आप में बेहद अद्भुत दिखाई देता है। बर्फ़ से लगभग हर तरफ सिर्फ बर्फ। और ये देखिए जो दानी लोग हैं जो इस मंदिर को सजाते हैं, बहुत ही दिव्य आस्था के साथ हर वर्ष कपाट खुलने से लेकर कपाट बंद तक 4 से 5 बार ये मंदिर को सजाया जाता है, और फूल लाते हैं अपनी इच्छा से, अपने संतुष्टि के लिए। और आज भी उसी परंपरा में ये लोग लेकर आते हैं, सजाते हैं, पूरी निस्वार्थ भाव से ये लोग सजाते हैं। और इस समय बद्री विशाल का मंदिर पूरी तरह से सज रहा है, और बद्री विशाल का झंडा अपना लहर पताका लहरा रहा है। बद्रीनाथ की यात्रा अब अंतिम दौर में है, 17 नवंबर तक यहाँ पे दर्शन आप लोग कर सकते हैं। और ये देखिए इस पे आकृति बनाई गई है, और शाम का समय होते ही भगवान बद्री विशाल के मंदिर को अलग अलग रंगों से, और ये देखिए भगवान नारायण और गरुड़ बैठे हैं। इस बार नारायण की यहाँ पे साक्षात प्रतिमा बनाई गई है इन फूलों पे, और भगवान बद्री विशाल का मंदिर अपने आप में बेहद अद्भुत। शाम का समय है ये, और खासकर बद्रीनाथ में अब जो भी यात्री यहाँ पे पहुँचता है दिवाली के पर्व पर, वो अपना दीप यहाँ पे जलाता है। मंदिर परिसर में कल जब दिवाली होगी, यहाँ पे 1 तारीख को दिवाली मनाई जा रही है, क्योंकि मंदिर समिति का जो निर्णय है, यहाँ के जो धर्माचार्य हैं उनके अनुसार 1 तारीख को, 31 को भी दिवाली मना सकते हैं, और 1 को यहाँ पे 1 तारीख को मनाई जा रही, तो शाम को पूजा शुरू हो जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे यात्री जो हैं वो आज से ही धनतेरस के बाद से मंदिर परिसर में दीपक जला रहे हैं, अपना दीपक लेकर आते हैं, मिट्टी के दीपक, और उन्हें जलाते हैं मंदिर के आसपास पूरे। अगर मंदिर के अंदर की इजाज़त मिलती तो हम वहाँ की भी आपको वीडियो दिखाते, लेकिन वहाँ पे अनुमति नहीं है, तो वहाँ पे सब लोग दीपक जला रहे हैं। और ये बाहरी परिसर है, यहाँ पे देखिए शाम का समय है, लाइटों से भगवान बद्री विशाल का मंदिर अपने आप में बेहद अद्भुत। वैसे ही हम लोग जब कोई भी, आप लोग कभी भी मेरा वीडियो देखते होंगे तो यही गेट मुख्य सिंह द्वार जब दिखता है तो हम इसी को जय बद्री विशाल कहते हैं, और यही हमारी आस्था में लगा हुआ है। जैसे ही
भगवान बद्री विशाल का सिंह द्वार देखता तो हम जय बद्री विशाल बोलते हैं। तो इसी के दर्शन शिखर कहते हैं ना, कि अगर मूर्ति दर्शन ना हो सके तो शिखर दर्शन कर लो, तो शिखर यही दिखाई देता है, इसी को हम लोग प्रणाम करते हैं। तो ये है बस दोस्तों, जय बद्री विशाल। आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा बद्री विशाल और बाबा केदार की कृपा बनी रहे।